जी अच्छा ये लास्ट टाइम हमने आपका एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने देखा कि व्यू किस तरह से बनाया जा सकता है। इसी तरह हमने जो है उसमें राउट, उसका रूट बनाकर देखा कि गेट का जो पैरामीटर के साथ रूट किस तरह बनाया जा सकता है। अपनी मर्जी का यूआरएल दिया हमने और उससे हमने पेज को व्यू करवा के देखा, मुख्तलिफ पेजेस बनाए। पेज के अंदर जो हमें पता चला कि उसकी डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी की एक्सटेंशन होती है, और फिर हमने उसके अंदर अपना एच टी एम एल लिखा। तो ये सब कुछ हमने खैर जो है किया लास्ट लेक्चर जी में। अब आज के लेक्चर में, लेक्चर तो हो सकता है कि छोटा ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा लारावेल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रंट एंड के हवाले से आपको बताने वाला हूं मैं। वो ये है कि हमने पीएचपी की जब वेबसाइट डेवलप की थी तो तब हम एक काम करते थे, वो ये करते थे कि जब भी कोई, पहले हम जो है एक फाइल बना लेते थे हेडर डॉट पीएचपी की, एक बना लेते थे फुटर डॉट पी एच पी की, और जब भी कोई हमने बनानी फॉर एग्जाम्पल होम डॉट पी एच पी ये बनाई, तो इस होम डॉट पी एच पी के अंदर हम वो क्या करते थे कि पी एच पी का टैग ओपन करके इसके अंदर इंक्लूड करवा देते होते थे हेडर डॉट पी एच पी को और फुटर डॉट पी एच पी को। जी ये याद है ना हम करते थे कैसे? जी जी यादव लारावेल में ये चीज जो है होती है कुछ इसी तरह से ही है, उसमें भी इंक्लूड होता है लारावेल में, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है लारावेल। जिस तरह हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के साथ चलने की बात हम करते हैं, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलते जाएंगे, मैं बताऊंगा साथ साथ। लेकिन फिलहाल जो मेन पॉइंट है वो ये है कि लारावेल में ये हेडर और फुटर किस तरह बनाए जाएंगे, कहाँ पर बनाए जाएंगे, और इनको ब्लेड की फाइल में इंक्लूड कैसे करवाया जाएगा, और ब्लेड की फाइल में क्या पी एच पी लिख सकते हैं हम, क्या इंक्लूड डायरेक्टली करवाना है। हम तो एक्सटेंशन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम ये नहीं बता सकते कि हेडर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी इसको इंक्लूड करवा दो, ये भी नहीं चलेगा। तो क्या किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बंदे के जहन में आता है। जी इसके लिए लारावेल में इस्तेमाल होता है लेआउट। अब ये जो लेआउट है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है लारावेल के इंटरफेस के अंदर। जी इसके अंदर ही आपके पास हेडर भी होता है, इसके अंदर ही आपके पास फुटर भी होता है, इसके अंदर ही आपके पास बॉडी कंटेंट भी होता है। बिल्कुल अब ये हमारे पास जो लेआउट है इसको किस तरह बनाया जाता है, इसमें क्या लिखा जाता है, क्या होता है, इस चीज को अगर हम डिस्कस करें तो लेआउट को आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इसको बनाया जो है वो व्यूज के फोल्डर के अंदर जाता है, तो हम व्यूज के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे, तो मैं इसको नाम देता हूँ लेआउट, और आगे हमने लिखना है डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, इतना हमने ऐसे लिख दिया। जी अब यहाँ पर हमने सिंपली करना कुछ नहीं है, एच टी एम एल जो है वो लिख देनी है, तो जैसे हम आम तौर पे करते आ रहे हैं अब तक हेडर की फुटर की फाइलों पे करते रहे पीएचपी में, कुछ वो ही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। पर यहाँ पे हम कर ये रहे हैं कि हमने हेडर और फुटर एक ही फाइल पर हम जो है वो रखवा देंगे, कुछ इस तरह से हूँ मैं आपको बताने लगा हूँ। ये बॉडी है मेरे, और यहाँ पर बॉडी का मैंने खत्म कर दिया। फिलहाल सिंपल सा ये मेरा एच टी एम एल का सेंटेक्स है, ठीक है। जी अब अगर इसको मैं लेआउट की तरह इसको सोचूं तो उसमें ये होगा कि मैंने ये सोचना है कि मेरा हेडर, जिसमें हेडर में मेरी नेव बार यानी कि टॉप मेन्यू बार आ सकती है, मेरा सर्च ऊपर टॉप सर्च बार आ सकता है, कुछ भी
हेडर में दिखाई देने वाली चीज अगर मेरे सामने आती है तो उसको मैंने किस तरह से कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे बनाना है, तो जाहिर बॉडी के अंदर ही हम यहाँ पर उसको बनाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, दिस पार्ट इज फॉर हेडर सेक्शन। उसके बाद नीचे हम लिख देते हैं, दिस पार्ट इज फॉर फुटर सेक्शन। अब हमें पता चल जाएगा कि जहां पर ये लाइन लिखी आएगी वहां पे हम अपना हेडर बना सकते हैं, जहां पर ये लाइन लिखी आएगी वहां पे हमारा फुटर होगा। अब जो इसके बीच में आ रहा है यहां पे हमारा कंटेंट आएगा, तो जी कंटेंट जो हमारा वो कंटेंट होगा जो हम किसी भी पेज के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कंटेंट बताना नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमने ये बताना है कि यहाँ पे हमारा कंटेंट आएगा कुछ इस तरह से। यील्ड यील्ड के स्पेलिंग मेरे ख्याल में यील्ड कंटेंट, यही है स्पेलिंग, कंफर्म कर दूं मैं, चल गया स्पेलिंग। Spanish, 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 Spanish. हाँ, YEILD, ठीक है। तो हम जब भी लारावेल की ब्लेड फाइल के अंदर PHP लिखने का सोचेंगे तो हमने एट द रेट का इस्तेमाल करना है, और ये एक तरह का PHP का सिंटेक्स है। यहाँ पर हमने एक तरह से मुकर्रर कर दिया कि ये जगह सिर्फ कंटेंट सेक्शन के लिए है, ठीक है। कंटेंट्स हाँ, येल्ड मतलब या ये इसका मतलब है, इन शॉर्ट टर्म्स, बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अक्सर औकात हमारे शहर में, बाजारों में, उकाड़ा नाला चले जाएं, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है और लिखा होता है कि ये जगह फलां कंपनी, फलां बैंक के लिए है, यहाँ पे बैंक जी बनेगा, यहाँ पे होटल बनेगा, इस तरह लिख जी लिया जाता है। तो यहाँ पे लेआउट की फाइल में इसका यही मतलब है कि यहाँ पर मेरा कंटेंट है, ये जी मैंने ठीक उसको हो बता दिया है। अब इस लेआउट की फाइल को जिधर भी मैं जिस भी ब्लेड फाइल के अंदर रखवाऊंगा, उस ब्लेड फाइल के अंदर आने वाली हर एक चीज वो इस कंटेंट वाली जगह पे शो होगी हमें, ठीक है। ठीक हो अब वो कैसे होगी, ये एक चीज बड़ी मजे की है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमने होम की फाइल बनाई थी लास्ट टाइम, यहां से ये सारा HTML का कोड हम कर देते हैं खत्म, क्योंकि HTML का कोड हम यहाँ पर लेआउट की फाइल में लिख चुके हुए हैं। जी अब हमें वो HTML का पूरा स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपना जो है वो काम शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं Heading 1 कहता हूँ, दिस इज माई कॉन्टेंट बॉडी सेक्शन, और इसको मैं ऊपर नीचे थोड़ी सी ब्रेक लगा देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। इस अब ठीक इसके अंदर मैंने अपने लेआउट को इंक्लूड करवाना है, लेकिन अब PHP के अंदर हम इंक्लूड करवाते थे इंक्लूड फला 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 फला, इसमें वो चीज ऐसे नहीं होती। मतलब इंक्लूड का फंक्शन इसमें भी इस्तेमाल होता है, लेकिन लेआउट के लिए हम वो इस्तेमाल नहीं करते। लेआउट के लिए हमने इस्तेमाल करना होता है एक्सटेंड्स, एट द रेट एक्सटेंड, कि भैया एक्सटेंड करवाओ। आगे मेरी फाइल का नाम लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP, तो मैं कहता हूँ जी लेआउट, मुझे आगे ब्लेड डॉट PHP लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इतना लिखना है। और आगे यहाँ पर अब मैंने उसको बताना है कि ये मेरा कंटेंट सेक्शन शुरू हो गया है, इसमें स्पेलिंग देख लूँ मैं, फिर गड़बड़ कर दूँ, ये वाला सेक्शन। अब मैंने उसको यहाँ पे बता दिया कि मेरा कंटेंट सेक्शन शुरू हो गया है। जी ये जो मैंने नाम दिया है ना इसको, यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने कंटेंट के लिए जगह मुकरर कर दी थी। अब कर दी जहां पर मैंने कंटेंट के लिए यही जगह मुकरर की, जहां पर मैंने ये स्टार्ट कर दिया ना, इसके बाद आने वाली हर चीज इस जगह पर आएगी। ठीक हो इसी तरह
जब हमने सोचा कि अब हमारा ये वाला सेक्शन का काम खत्म हो गया है, तो हमने थोड़ी नीचे आना है और लिखना है एंड सेक्शन, ठीक है, ताकि उसको हम बता दें कि ये सेक्शन हमने बंद कर दिया, ठीक है। ठीक अब हम इसको व्यू करके देख लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, PHP आर्टिसन सर्व, ये हमारा स्टार्ट हो गया है। और हमारा जो रूट था इसका हमने बनाया लास्ट लेक्चर में होम के लिए, वो होम ही है मेरे ख्याल में, हाँ होम ही है उसका नाम। तो खैर इसको हम करते हैं ओपन, और इसके आगे मैं लिखता हूँ होम, और इसको एंटर करते हैं। अब ये देखें, दिस पार्ट इज फॉर हेडर सेक्शन, दिस पार्ट इज फॉर फुटर सेक्शन, ये मैंने लेआउट की फाइल के अंदर दोनों चीजें लिखी थी यहाँ पर, ठीक जी है। अब चाहूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्यारा सा हेडर बनाऊंगा, प्यारा सा फुटर बना सकता हूँ। इसके अंदर आने वाली चीज मैं जो कुछ लिखूंगा वो ये कंटेंट आ रहा है, ठीक है। किसी भी पेज पे मैं जाऊं, जिस तरह अब ये होम का पेज था, तो हम चाहें तो ये कॉन्टेक्ट अस के पेज पे भी इसको इसी तरह से शुरू करवा सकते हैं। और इधर मैं एंड सेक्शन भी करवा देता हूं। अब इसके अंदर आने वाली कोई भी चीज, जिस तरह यहाँ पे दिस इज कॉन्टेक्ट अस कॉन्टेंट सेक्शन पेज, अब यहाँ पर कोई भी चीज हम लिखते हैं तो वो हमारी बॉडी के सेक्शन में जाती है। कॉन्टेक्टर्स के लिए मैंने क्या रखाया था नाम, ये कॉन्टेक्टर्स रखवाया था, तो हम दोबारा इसको सर्च करते हैं। तो कॉन्टेक्ट अस, अब ये देखें, दिस इज अ हेडर पार्ट, दिस इज अ फुटर पार्ट, और उसके अंदर ये मेरा कंटेंट का सेक्शन आ गया। ठीक इस तरह से हम हेडर और फुटर बना सकते हैं, ठीक है। जी और मजीद इसको प्रोफेशनली लेके चलेंगे हम, तो हम ये करेंगे कि हम हेडर और फुटर की फाइलें भी अलग अलग बनाएंगे, कुछ इस तरह से कि मैं व्यू के अंदर ही फिलहाल एक और फाइल बनाता हूँ, हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP। इसी तरह मैं एक फुटर की बनाता हूँ, फुटर डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब मैं करता ये हूँ कि जो लेआउट के अंदर मैंने हेडर का कोड लिखा था, ये वाला कोड, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ सिर्फ, और मैं इसको हेडर की फाइल के अंदर फेंक देता हूँ। और इसी तरह मैंने यहाँ पर जो फुटर का कोड लिखा था, इसको मैं कट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से फुटर की फाइल में फेंक देता हूँ। और यहाँ पर मैं जस्ट इंक्लूड करवाता हूँ। अब इंक्लूड हम PHP में कुछ इस तरह से करवाते थे कि यहाँ पे आके फाइल का नाम लिख देते होते थे, जो भी होता था, लेकिन यहाँ पे हम ये काम नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते हमने जी। यहाँ पर PHP के काम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट, और इसके आगे मैं लिख दूंगा इंक्लूड, और ब्रैकेट में अब मैं फाइल का नाम लिख दूंगा, तो जो है मेरी हेडर। इसी तरह मैं नीचे करवा दूंगा फुटर। इससे फायदा ये होगा कि हमारी फाइलें वेल प्रोफेशनल होंगी, अच्छी वेल असाइंड होंगी, कि हम जब चाहे तो हमें पता होगा कि हेडर में कुछ चेंज करना है, तो हम डायरेक्टली हेडर की फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे आके चेंज मार लेंगे, क्योंकि अभी तो ये एक लाइन लिखी है, लेकिन हमारा कोड बहुत बड़ा सारा हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा फुटर का भी सीन होगा। खैर अभी हम इसको चलाकर देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं, तो बिल्कुल ये सही चल रहा है, ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं आया, हालांकि हमने उसको अलग अलग करके यहाँ पे लेआउट की फाइल के अंदर इंक्लूड करवा दिया, ठीक हो गया। आप एक चीज आपने याद रखनी है कि आपने ये जो हमारी कहाँ गई, फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टेक्टर्स का पेज है, इसके अंदर लेआउट को इंक्लूड नहीं बल्कि एक्सटेंड करवाना है हमेशा, ठीक है। ठीक क्योंकि कुछ लोग जो नए नए लेवल में आते हैं वो ये काम करते हैं कि वो इसको भी इंक्लूड ही बना देते हैं, या फिर अक्सर वो गलती करते हैं कि जिस तरह मैंने लेआउट की फाइल के अंदर इनको इंक्लूड करवाया, वो इसको एक्सटेंड करवा देते हैं। कभी ये इसमें मिक्सअप नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पर एक्सटेंड इस्तेमाल करना है, और आपने कहीं एक्सटेंड मतलब इस्तेमाल नहीं करना, बाकी जगह पे आपने इंक्लूड इस्तेमाल करना, ठीक है। ठीक ये हमने आज इसको जो है कहने के व्यू पेज वगैरह बनाना सीख लिया है। अब जब आप इन फ्यूचर करेंगे ये कि आपको एक टास्क देने लगा हूं मैं छोटा सा, वो टास्क आपका ये है कि आपने बूटस्ट्रैप के CDN वगैरह
उठाने हैं, लेआउट की फाइल बनानी है, और ये जो हेड का टैग है इसके अंदर फेंकने हैं, और बूटस्ट्रैप से चार चार कॉलम दो रोज, यानी कि टोटल 8 कार्ड्स बूटस्ट्रैप के आपने बनाने हैं होम की फाइल के ऊपर, ठीक है। ठीक ये कल आपने टास्क मुझे लेक्चर शुरू होने से पहले सबमिट करना है, ठीक है। कोई इसमें सवाल? ठीक। वो बाकी चीजें वो वैसी होगी ना उसके अंदर, होम के अंदर। हाँ, सब कुछ ये देखें आपके सामने कोड है, ठीक है। ये कोड मैं आपको सेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप खुद अपने हाथों से लिखोगे वो ज्यादा बेहतर है। अलबत्ता अलबत्ता ये कि ये आपको सामने है, इनमें से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सेम चीजें, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं रिवाइज करने लगा हूं आपके लिए शुरू से लेकर अब तक, ताकि ये आप यहाँ से भी अगर वीडियो देखो तो आपको समझ आ जाएगी कि किया क्या है, ठीक है। तो मैं एक फ्लो में सारा रिवाइज करता हूँ हमने अब तक लारावेल का जो सीखा है। हमने लारावेल को इंस्टॉल किया था, कंपोजर वगैरह अपडेट इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट बनाकर हमारा लारावेल चल गया। उसके बाद हमने पहला जो काम किया वो ये किया कि हमने देखा कि व्यू क्या होते हैं। व्यू में हम गए तो वहां पे हमें सबसे पहली वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की फाइल मिली, और इसको हमने फिर जब देखा इसमें कुछ चेंजेस की, मैंने इसमें आपका नाम लिखकर देखा कि जुबैर इज वंडरफुल। जब ये लिखकर हमने चेंज किया तो वहां पे चेंज भी आया, सिंपली ये एक बूटस्ट्रैप और एचटीएमएल लिखी हुई थी हमारे सामने। इसी तरह फिर हमने देखा कि ये जो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच बी है ये शो कैसे करवाई जाती है, तो हमने पढ़ा कि रूट की मदद से इसको शो किया जाता है। किसी भी व्यू फाइल को मतलब फ्रंट एंड पे शो करने के लिए हमें रूट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और हम उसके लिए इस तरह से लिंक देते हैं। सिर्फ इस बैक स्लैश का मतलब है इंडेक्स होम, यानी कि अगर मैं अपने मेन डोमेन पे आया हूँ और मैंने कुछ भी आगे नहीं लिखा और मैं एंटर करूंगा तो होम पेज पर मुझे ये वाला वेलकम का फाइल, वेलकम की फाइल वो दिखा रहा है। अगर मैं इसके आगे लिख देता कुछ तो ये फिर उसके अंदर जाके मुझे दिखाता। खैर, उसके बाद हमने कॉन्टेक्टर्स का पेज बनाकर देखा, हमने होम का पेज बनाकर देखा कि उनको रिटर्न कैसे करवाना है। फिर आज के लेक्चर में हमने जो है देखा कि लेआउट क्या होता है, उसके अंदर हेडर फुटर है क्या कॉन्सेप्ट है, कंटेंट सेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर हमने लेआउट की फाइल को उसी तरह क्रिएट किया, लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। उसके अंदर हमने एचटीएमएल का टैग ओपन किया, हमने हेड का टैग ओपन किया, हमने बॉडी का टैग ओपन किया, हमने सारा काम जो हम आमतौर पर एचटीएमएल में करते हैं हमने लेआउट की फाइल के अंदर वो कर दिया। फिर हमने उसको बता दिया कि इधर मेरा इंक्लूड हेडर करवा दो, इधर मेरा इंक्लूड फुटर करवा दो, इसके अंदर मेरा कंटेंट होगा। मैंने उसको ये बता दिया कि मेरा कंटेंट जो है वो हेडर के बाद फुटर से पहले होगा, जो कि मेक सेंस, ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं किसी भी फाइल में जाकर अपनी लेआउट की फाइल को एक्सटेंड करवाऊंगा और आगे सेक्शन एट द रेट सेक्शन कॉन्टेंट में लिखूंगा, और एंड सेक्शन इन दोनों के दरमियान में मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा बॉडी सेक्शन में जाएगा। तो मैं कोई भी न्यू फाइल बनाऊं, कोई भी फाइल बनाकर उसको रूट देखकर चलाऊं और ऐसे लिखूं तो वो चलेगी, ठीक है। ये सारी बात में कोई क्वेश्चन आपका? नहीं ठीक हो। अब मैंने वो चार वो बनाने कार्ड्स। हाँ, आपने जो बनाना है, यू हैव टू क्रिएट 8 बूटस्ट्रैप कार्ड्स, और ये होगा जी 2 रोज 2 रोज 4 कॉलम पर रो, यानी कि एक लाइन में 4 कार्ड्स होने चाहिए आपके। फिर बाकी 4 कार्ड्स अगली लाइन पे, दूसरी लाइन पे होने चाहिए, 2 रोज होंगी। और ये आपने कंप्लीट रूल फॉलो करते हुए बनाना है, बूटस्ट्रैप विद बूटस्ट्रैप एंड एचटीएमएल। जहरी बात, एचटीएमएल की आपको जरूरत पड़ेगी। यू नीड टू मेक अ लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल, देन अ हेडर एंड फुटर फाइल, देन एक्सटेंड लेआउट फाइल टू योर बॉडी, नहीं टू योर
योर होम डॉट पी एच डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी फाइल देन शो बूटस्ट्रैप कास्ट। और आपने जो भी बूटस्ट्रैप का सीडीएन, जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी का सीडीएन कुछ भी इंक्लूड करवाना हो तो आपने लेआउट की फाइल के अंदर आके इधर इंक्लूड करवा देना है। वो सारी फाइलों पे जहां जहां लेआउट एक्सटेंड करवाओगे वहां पे खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ठीक चलिए जी, ठीक हो गया फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़। हो।